के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ी। बंधुओं, हमने उनके जीवन को नजदीक से देखा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों में से एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिसको प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ा, क्या क्या नहीं सहना। कांग्रेस ऐसे षड्यंत्रकारी है कि शरीर को भी अंत्येष्टि तक नहीं पहुंचने देते अगर परिवार नहीं चाहता। नरसिम्हा राव जी की अंत्येष्टि हो, अंतिम संस्कार हो, इस पर भी परिवार ने, सोनिया जी ने रोक लगा दी थी। इससे जघन्य और कोई अपराध हो सकता है क्या? किसी के शरीर को आप अग्नि में प्रवाहित ना होने दो, प्रज्वलित ना होने दो, उसको भी रोक लो। राजनीति का सबसे निम्न स्तर कोई हो सकता है सोनिया जी, तो आपने उस दिन दिखाया है जिस दिन नरसिम्हा राव जी के शरीर को आपने कांग्रेस के दफ्तर में प्रवेश देने से मना कर दिया, क्योंकि आपने उन्हें नहीं बैठाया था, जनता ने बैठाया। यह राज बेचना पड़ जाए ना, देश के टुकड़े करना पड़ जाए, क्योंकि किसी भी कीमत से राहुल गांधी को लॉन्च करना है तो ये करेंगे। और मैं इस मंच से राजनीति नहीं करना चाहता, मगर यह अधर्म होगा, मगर इतने बड़े मंच में खड़े होकर मैं सत्य नहीं बोलूं तो यह अधर्म होगा। इस मंच पे खड़े होकर मुझे आगाह भी करना है, इस मंच में खड़े होकर मुझे सत्य भी बोलना है। मैं घृणा किसी से नहीं करता, अपने विदेशियों से भी, अपने ऑपोजिशन से भी घृणा नहीं करता, मगर सत्य बोलना मेरा धर्म है। अपने अकर्मण्यता के कारण, अपने गुणों के कारण, या कहिए निर्गुणों के कारण राहुल जी लॉन्च नहीं हो सकते, लॉन्च नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, कभी खाट पर से लॉन्च करने, खाट यात्रा, कभी खाट पे से लॉन्च। हैदराबाद में आकर सभा कर ऐसा कहा था, कहा था ना, और उसके कुछ दिनों के पश्चात मोदी जी हैदराबाद आए थे। राजनीति के गिरते हुए स्तर को देखिए, इन्होंने सोचा कि हैदराबाद हमारा है, यहां कोई और घुस नहीं सकता, यहां कोई उनको ललकार नहीं सकता, यहां लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपने विषय को नहीं रख सकता। चुनौती दे रहे थे कि हिम्मत है तो घुस के दिखाओ। अरे भैया, दिलों में घुस गए, दिलों में। कहां रोक रहे हो आप मैदान में घुसने से? मोदी जी तो दिलों में घुस गए। हिम्मत है तो दिलों से निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओ। राम मंदिर में लौट के आता,